और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी सांसद अनूप मिश्रा के सिंधी कॉलोनी स्थित निवास पर आज सुबह आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल की चार गाड़ियां पानी से आग बुझाने में लगी हुई है। प्रारंभिक आकलन से पता पड़ता है कि 5 से 6 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान हो चुका है। जानकारी के मुताबिक सांसद अनूप मिश्रा के सिंधी कॉलोनी स्थित निवास पर आज सुबह 7 बजे तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इससे पहले कोई इस बात को समझ पाता, आग ने चौथी मंजिल तक अपनी चपेट में ले लिया। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए वेंकटेश भार्गव के साथ। आग की सूचना अभी आधा घंटे पहले मिली और तत्काल ही आधा घंटे में कंट्रोल कर लिया गया और हमारी गाड़ी यहाँ 5 मिनट के अंदर आ चुकी थी। अगर समय से गाड़ी नहीं आती तो ये कहना घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। माननीय सांसद अनूप मिश्रा जी के यहाँ आग लगी हुई थी, तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और चौथी मंजिल और नीचे वाली मंजिल पर भी आग ये आ सकती थी, इतनी तीव्र आग थी क्योंकि ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तो इस समय बेडरूम पूरा जल चुका है और उसमें अलमारियां रखी उनमें भी कपड़े 50% से ज़्यादा जल चुके हैं और अगल बगल में POP का और वुडन वर्क था वो पूरा जल चुका है, कांच वगैरह भी टूट गए हैं। वो तो समय से सूचना दे करके बगल के मकान पर खड़े होकर के आग पर तत्काल पानी पर डाला गया और जिससे वो आग कंट्रोल हो गई और लगातार गाड़ियाँ आना शुरू हुई, इससे आग पर जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया। गाड़ियाँ चार गाड़ी पानी लग चुका है, पांचवी गाड़ी पानी भरी हुई खड़ी है। वर्तमान स्थिति में पूर्णतः कंट्रोल है। अभी जो तपन हो गई है और उससे जो भाप निकल रही है वो केवल धुआं टाइप में निकल रही है, बाकी कंट्रोल पूरा हो चुका है।